1-0. नए साल के पहले दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बहुत बड़े स्पेस मिशन को लॉन्च किया। खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह भेजा गया है। India has launched a rocket which has the capability to study black holes. It was launched yesterday and is the only the second mission of its nature. पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। उन्होंने तो स्टार्ट की एक्सपो सेट को लेके और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था, उससे बहुत कम पैसे रखे हैं और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। आप कह रहे साउथ पोल पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है, तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जा की तरफ जा रहे हैं, वो हमसे हर सिर्फ स्पार्क में नहीं, हमसे टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, हर सेक्टर और फील्ड में हमसे आगे जा रहे हैं। और जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, इंडिया वो हमारे साथ खेल रहा है, शुरू से खेल रहा है। हाय, इसरो साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन, आकाश गंगा और ब्लैक होल्स का अध्ययन करेगा। एक्सपो कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज को। देखें, पाकिस्तान के मानने से ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि इंडिया, अगर मैं एज अ ग्लोबल लेवल पे देखूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की ये अचीवमेंट और ये अचीवमेंट अच्छी अचीवमेंट है, साइंस के लिए बड़ा फायदा है इसमें। हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलाने भी जीते हुए हैं, तो दो सोर्स थे हमारे पास, था एक पीटीवी था, दूसरा पास स्टडीज था, उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है, आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिक्स, लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो अभी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे, इट मींस कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉर्ड जस्टिस। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेवलप न्यूज में। दोस्तों, साल का पहला दिन ही इसरो ने अंतरिक्ष में फिर से भारत का परचम लहरा दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बहुत बड़े स्पेस मिशन का लॉन्च किया है। भूगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने में 160 सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो ने। साल का पहला दिन ही यानी 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर इसरो ने 160 सैटेलाइट को PSLV-658 के जरिए लॉन्च किया। एक्सोसेट ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों की रहस्य को अध्ययन करेगा। 2023 में चंद्रयान 3 के जरिए चांद तक पहुंचने और आदित्य एलियन के जरिए सूरज तक पहुंचने का सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने एक बार फिर से नए साल की शुरुआत में ही अपना परचम लहरा दिया है अंतरिक्ष में। 160 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद सारा विश्व हैरान में है। इंडिया अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। भाई पहले भी इसरो ने 100 सैटेलाइट लॉन्च की थी, चंद्रयान 3 भी आप लोगों को याद है, बट जो वो 100 सैटेलाइट थी वो कम्युनिकेशन के लिए थी और वो थोड़ी छोटी सैटेलाइट थी, लेकिन अब ये जो 50 सैटेलाइट लॉन्च होने वाली हैं ये मिलिट्री सैटेलाइट है और ये ऑब्वियसली ये बड़ी है। ये इसके अलावा यूएसए, चाइना, रशिया, इनकी मिलिट्री सैटेलाइट्स काफ़ी सारी और यूएसए की तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, और इंडिया जो है वो काफ़ी हेल्प लेता रहा है यूएसए की मिलिट्री सैटेलाइट्स में, बट उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ओके वी नीड दिस, ये ज़रूरत है, ये हमारी नीड है। उन्होंने उस चीज़ को एनालाइज किया, उस पर वर्क किया और अब 50 सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं और उस हिसाब से तो 5 साल में हर 1-1.5 महीने बाद एक सैटेलाइट लॉन्च होगी। चलते हैं कि इसरो की जो एक विजन प्लानिंग है, जो उनका एक इतना बड़ा विजन है कि उन्होंने आगे आगे क्या क्या सोचा हुआ है, उनसे डिस्कस करते हैं कि वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और स्पार्कों की भी बात करते हैं कि यार जब नेबर कंट्री इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और इतनी यानी कि इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि 50 सैटेलाइट्स, 100 सैटेलाइट्स, तो फिर स्पार्को क्यों नहीं कुछ कर रहा। लेट्स गो और बात देखें। रिसेंट पास में अगर आप देखें तो एक बहुत एक कह लेंगे हॉट टॉपिक था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया, तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में उस तरह से एक्सेल नहीं कर रहा है। कंपैरेटिवली हम देखते हैं यूएस,
कैनेडा, चाइना की बात करते हैं, जापानीज कंट्रीज में, तो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन टेक्नोलॉजी. कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमेशा बात होती है कि पॉलिटिक्स में जब हम एक चीज़ लोग देखते हैं तो हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इससे आगे बात नहीं जाती है. तो दुनिया जो है वो इस चीज़ से निकल आई है. वर्ल्ड हमेशा टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट करती है, जबकि पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रहा. तो इंडिया में जब हम देखते हैं तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं. इससे पहले भी एक वक्त में वो 100 उसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, लेकिन वो सैटेलाइट जो थी वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए थी, लेकिन अब मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो कि पहले यूएसए के साथ, यूएसए हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन अब उनको लगा कि ये हमारी नीड है, तो उन्होंने एनालाइज किया कि ये हमारी नीड है तो हमें इस पर वर्क करना चाहिए. आपको लगता है कि अपनी नीड को एनालाइज करना और फिर उस पर वर्क करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब इंटरनेशनल कंट्रीज जिस तरह हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी बेस और आप देखें कि डिफेंस के लिए एक अलॉट ऑफ बजट वो एक एलोकेट करते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक हद तक ये चीज़ हो रही है. लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे नहीं करना कि हम आपको डिफेंस मैकेनिज्म देने के लिए अपना सारा कैपिटल जो है वो डिफेंस उसमें दे दें. हमें चाहिए कि हम ग्रॉस रूट लेवल पे इस तरह लेके चलें चीज़ों को, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छी रिसर्चेज हो रही हैं. तो हमें इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर से कि आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है. तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है. और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा एआई का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है. पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को. देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता. हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है. और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि दे वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनके कैरी ऑन कर रहे हैं. इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है. हमारा किसको नहीं पता, ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं. इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के, यानी कि हमारे पे नज़र रखें, क्या जाने किसको नहीं पता पाकिस्तान का. जो अल्लाह माफ़ कर डिफॉल्टर होते हुए बचा, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इस पे नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता. अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो. इंडिया अपना कंपेरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ. तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सेटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है. इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं. तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें पाकिस्तान में, वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर.